You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपने इंट्रो देख लिया होगा, वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे शोल्डर का वर्कआउट। तो इस वर्कआउट में हमें, जैसे पता है कि हम जब शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, जैसे हमारे शोल्डर का फ्रंट हेड, रियर हेड और ट्रैप्स वगैरह, ये जो सारे मसल्स पार्ट है हमें इसको टोटली ओवरऑल कवर करना होता है, ताकि हमारे जो शोल्डर हैं वो एक अच्छी शेप में आए, उनका जो साइज है वो गेन हो। तो इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम लगाएंगे 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो हिट करेंगे हमारे पूरे ओवरऑल हमारे शोल्डर को, जिससे हमारे जो शोल्डर की जो साइज है वो अच्छा होगा, उसकी जो शेप है, फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। बिकॉज जब हमारी बॉडी की जो शेप है वो जब तक टोटली फिनिशिंग नहीं होती, मीन्स शोल्डर ट्राइसेप्स वगैरह जो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं होती, चाहे वो शोल्डर की हमारे आउटर एरिया हो, फ्रंट हेड हो, रियर हेड हो या फिर हमारे ट्रैप्स हो, जब तक ये अच्छे से और फिनिशिंग में नहीं आते तो हमारी बॉडी की अच्छी ओवर लुक नहीं बनती। तो हमें आज के वर्कआउट में कंप्लीट शोल्डर को कवर करना है, हिट करना है। तो ट्रेन करेंगे आज हम 5 बेस्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे जरूर फॉलो कर दें, वहाँ मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ, आपको जरूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हिट करते हैं अपने शोल्डर को। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और अपना वर्कआउट। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि जब भी हम अपना कोई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, किसी भी मसल को अपनी जो वर्कआउट करना होता है, तो हमें उस मसल को प्रिपेयर करना होता है। वो प्रिपेयर कैसे होगी, वो प्रिपेयर होगी वार्म अप से। तो हमें जब भी अपना वर्कआउट परफॉर्म करना है, उससे पहले हमें अपना वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी जो मसल्स है वो प्रिपेयर हो जाए वो वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए, और हमें इंजरी से नुकसान ना हो और हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो अब जब हम शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, तो मैं इसमें आपको 2 ऑप्शन दूंगा जिससे आप अपना बेस्ट वार्म अप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बारबेल से। बारबेल में आप स्मिथ मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारी जो ग्रिप होगी वो इक्वल होगी, हमारी जो बारबेल होगी वो बैलेंस होगी। बिकॉज अगर हमारी बारबेल बैलेंस नहीं होगी तो इससे हमें इंजरीज भी हो सकती हैं। तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा कि आप अपनी बारबेल जो आप स्मिथ मशीन है उससे अपना वार्म अप करें। वार्म अप में आपको ग्रिप रखनी है अपने शोल्डर से बिल्कुल इक्वल, या जरा सा वाइड आप इसे ले सकते हैं, और आपको ब्लैंक बारबेल से इस टाइप से आप स्मिथ मशीन से अपना वार्म अप कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट ले सकते हैं और अपनी रेपिटेशन रेंज 10 तक ही रखें, इससे ज़्यादा आप ना लगाएं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है जो है वार्म अप का, उसमें आप अपने 5-5 केजी के कोई भी वेट ले सकते हैं और अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अपने साइड रेजेस। रेपिटेशन आपके साइड रेजिस के और 10 रेपिटेशन आपके फ्रंट रेजिस। इसके बाद जब आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना वर्कआउट। बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर प्रेस, अपने शोल्डर को डेवलप करने के लिए।
और जब हमें अपना जो मास गेन करना होता है, शोल्डर का साइज गेन करना होता है, तो हमें एज यूजुअल जैसा हम हर मसल्स के साथ करते हैं, हमें अपना जो वेट है वो इंक्रीज करना होगा हर सेट में। तो आप स्टार्टिंग में अपना नॉर्मल वेट लें, उसके बाद आपको हर वेट में, हर सेट में अपना वेट इंक्रीज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी डंबल प्रेस, बिल्कुल फिट। स्टार्टिंग पोजीशन हो गई हमारे यहां से, और बिल्कुल मसल्स को हिट करते हुए स्लो मोशन में, स्पीड हमारी बिल्कुल नॉर्मल और इक्वल, पूरा फील हमारे शोल्डर पे। इस साइड से हमें इसकी पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने लगाई हमारी शोल्डर प्रेस। वेट आपको हर सेट में इंक्रीज करना है, रेपिटेशन रेंज आपकी 10 से 12 के बीच हो, इससे ज़्यादा आप ना करें, बिकॉज आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं अपने अगले रैप के लिए। इसके बाद लगाएंगे हम आर्नोल्ड प्रेस, जो होगी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। आर्नोल्ड प्रेस के लिए हमें अपने जो डंबल है उनको रिवर्स ग्रिप फ्रंट में और ऊपर ले जाते हुए हमारी जो ग्रिप है वो सीधी हो जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने अपनी परफॉर्म की हमारी आर्नोल्ड प्रेस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, अपनी रेपिटेशन रेंज 10-12 तक रखनी है, वेट हर सेट में आपको इंक्रीज करना है। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जो होगी हमारी बारबेल प्रेस। इसके लिए हमें जो अपनी ग्रिप है वो शोल्डर्स के इक्वल, बिल्कुल इक्वल रखनी है, और स्टार्टिंग करनी है हमें यहाँ से, और बिल्कुल सीधा हमें अपने हैंड्स को कर देना है और पूरा फोर्स अपने शोल्डर पे। आप इस एक्सरसाइज को जितना स्लो करेंगे उतना फील आपको अपने शोल्डर्स में आएगा। आप देख सकते हैं शोल्डर बिल्कुल पंप हो चुके हैं। तो ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर मसल्स के लिए, और इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं, अपनी रेपिटेशन 10 से 12, वेट आपको हर सेट में इंक्रीज करना है। इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है हमारी साइड रेजेस। शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेच हमारे बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए शोल्डर पे पूरा फोर्स, और हाथों को हमें फोल्ड करना है, उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है हमें यहाँ तक, और नीचे आते वक्त हमें पूरा शोल्डर पे फोर्स डालना है और स्ट्रेच करना है कंप्लीटली। ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। आपको हर वेट में, हर सेट में वेट अपना इंक्रीज कर लेना है, लेकिन आपको एक्सरसाइज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगाना है, हिट करना है बिल्कुल अपनी मसल्स को। अब करेंगे हमारी लास्ट और बेस्ट एक्सरसाइज। तो गाइस अपनी फिफ्थ और जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें करेंगे हम सर्क्स परफॉर्म। सर्क्स के लिए आपको पता है हमें चाहिए वेट, आप कोई भी नॉर्मल वेट स्टार्टिंग में ले सकते हैं, उसके बाद आपको हर वेट में वेट इंक्रीज करना है। इसके लिए हमें पोजीशन क्या है, हमें पैरों को बिल्कुल लॉक रखना है, और हमारे जो मूव होंगे वो सिर्फ होंगे शोल्डर्स, और शोल्डर करना है हमें बिल्कुल ऊपर तक स्ट्रेच, 1 सेकेंड होल्ड, फिर बिल्कुल स्ट्रेच करना है नीचे, कंप्लीटली अप, कंप्लीटली डाउन, अप डाउन। इसमें हमें जो शोल्डर को जो ध्यान देने वाली बात है वो हमें शोल्डर को अप से आगे या पीछे मूव नहीं करना, बिल्कुल इक्वल सीधा, बिल्कुल नीचे और सीधा ऊपर। फक
काफी बंदों ने, आपने देखा होगा काफी बंदे इस एक्सरसाइज को ऐसे या ऐसे परफॉर्म करते हैं, ये गलत एक्सरसाइज है, इससे आपके शोल्डर में इंजरीज भी हो सकती है। तो आपको बिल्कुल स्लोली यानी आपको हिट करनी है अपनी मसल्स को, और वो होंगी स्लो स्पीड से और बिल्कुल राइट फॉर्म से। इसकी राइट फॉर्म है बिल्कुल स्ट्रेट, मसल्स अप स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। तो गाइस ये थी हमारी 5 बेस्ट और बेस्ट एक्सरसाइज जो थी हमारे शोल्डर के लिए। आई होप आपको इन एक्सरसाइज से बेनिफिट मिले और आपका जो शोल्डर की जो शेप है, जो आपकी फ्रंट हेड और रियर हेड और जो आपके ट्रैप्स हैं वो अच्छे से डेवलप हों। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे और अगले वीडियो बनाने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर जरूर फॉलो कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में गाइस बस इतना ही। स्टे फिट स्टे हेल्थी।